संभाल का रेलवे स्टेशन पर युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में आया नया मोड़। मृतक के पिता ने पुत्र वधू और उसके जीजा पर लगाया हत्या का आरोप। दरअसल गांव सिंहपुरा के रहने वाले सुरेश कुमार ने बताया कि उसके बेटे सुनील की शादी 2019 में इशिता मलिक के साथ हुई थी। मेरा नाम सुरेश सिंह है, मेरा गांव सिंहपुरा है। मेरा लड़का संभाल का संदीप के पास रहा करता, उसने षड्यंत्र के तहत मेरे लड़के की इशिता मलिक से शादी करवाई और शादी ना होकर एक ढोंग था है, तो उसने ये अवैध संबंधों के चलते मेरे बेटे की हत्या करवाई है। इशिता ने और उसने संदीप ने और रमन ने और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी पुत्र वधू कहाँ रहती है? उसी के पास रहती है, संदीप के पास ही रहती है वो। आपकी बातचीत हुई उससे? नहीं, मारे से कोई बातचीत नहीं है वो, बल्कि वो सामान भी लेगी उठा के मारे से, तो वो कभी मेरे गांव में भी नहीं गई वो हैं। और अब मेरे पे दबाव बनाने के लिए एक वकील के द्वारा नोटिस भेज रहे स्वाति राठी है कोई, कि भाई मैं ये करूँगी, मेरा बिजनेस, मेरे पति को तुमने टॉर्च कर रहा है, ये किया है, वो किया, इस तरह के मतलब दबाव बना रहे हैं और हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हमने FIR लॉन्च कराई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या डिमांड करते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का चारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे इंसाफ चाहिए। कौन कौन सा मिले इसके आपके बेटे के आरोप लगा रहे हैं? नहीं तो ये दो ही हैं, बाकी उनको इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जाके वो कार्रवाई, तो और भी निकलेंगे। संदीप रमन उर्फ संदीप, जिसके चलते संदीप रमन निवासी संभाल का, जो सुनील की मौसी का लड़का है, वह दोनों फैक्ट्री में पार्टनरशिप में काम भी करते थे और उसकी शादी भी उन्होंने ही करवाई थी। 18 फरवरी 2020 को सुनील संभालका के रेलवे स्टेशन पर गंभीर अवस्था में मिला था। साजिश के तहत उसकी पुत्र वधू और उसका जीजा संदीप रमन उसे इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले गए, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और पुलिस ने इसे महज हादसा दिखाकर इस मामले की फाइल को बंद कर दिया था। जी मिली भगत से आपस में दो चार आदमी हो रहे इनके, जो चोट वोट मार के स्टेशन पर रात को घेर दिया 10:30 बजे, क्योंकि सर्दी का मौसम था, कौन स्टेशन पर 10-11 बजे कौन होता है। तो हमें पूर्णतया निष्पक्ष जांच चाहिए, दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारा भतीजा जो मारा गया है वो षड्यंत्र के तहत मारा गया, क्योंकि ये नजायज संबंध का मामला है और डीपली अगर पुलिस इसकी कार्रवाई करे, कॉल डिटेल निकाले, भाई कब क्या हुआ, किसे बात हुई, तो ये डिटेल निकल सकती है। तो हम न्याय के लिए अब दोबारा फिर यहाँ आए हैं, हमने 9 महीने के चक्कर काट देने, 9 महीने में दूसरी दफा फिर हम आए हैं और बार बार हम DSP साहब को मिले, अपना अंबाड़ा जाके मिले, यहाँ और भी आके मिलेंगे, नहीं कार्रवाई तो करवानी पड़ेगी हमें। आज मिले को आज SSO साहब ने आश्वासन दिया, भाई डीपली हम इसकी वो छानबीन दोबारा करेंगे। वो हमें, मेरा नाम, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष लाभ सिंह सिद्धू। अब मृतक के पिता को शक हुआ कि उसके बेटे की हादसे में मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है, उसी के चलते वह DSP और GRP पुलिस से भी मिल चुके हैं और आज पानीपत रेलवे स्टेशन पर GRP थाना में आकर उन्होंने इस मामले में दोबारा जांच करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उसकी पुत्र वधू व उसका जीजा संदीप रमन इस हत्या की वारदात में शामिल है और उनके द्वारा ही सुनील की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि वह उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। पिता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर इस मामले में दोबारा से जांच नहीं की गई तो वह उच्च अधिकारियों के पास इस मामले को लेकर जाएंगे और न्याय की फरियाद लगाएंगे। 20 फरवरी 2020 का मामला है और इस भाई का लड़का है, उसका नाम था सुनील, और इसकी मौसी का लड़का है, उसका नाम है संदीप उर्फ उसको सैंडी बोलते हैं। वो उसको पहले स्टार्टिंग में अपने साथ इन्वॉल्व कराया, उसने रहना शुरू कराया, भाई बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़का पढ़ा लिखा था, BTEC कर रहा था, तो वो बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, रहने लग गया। तो धीरे धीरे मतलब उसने उसको, उसकी शादी हो रही थी संदीप की, उसकी जो वाइफ है वो तो बाहर विदेश गई हुई है, और उसकी जो छोटी सिस्टर है, उसकी जो साड़ी है, उसके साथ उस सुनील का रिश्ता करवाया उन्हें। उस रिश्ते में हम मौके वारदात पे थे, वो सारी फॉर्मेलिटियाँ थी, वहाँ ना कोई आदमी था न कोई लेडीज थी, वो खुद संदीप, उसकी सासू और उसकी साड़ी और दो चार जने हम थे, बस ये था। और उसने ये काम कराया, फिर उसने धीरे धीरे साजिश के तहत, न तो इसके घर गई कभी, वो इसकी पुत्र वधू बनाई, जो बनाई वो पुत्र वधू नहीं थी, कभी इसके घर नहीं गई वो। फिर उसके बावजूद उन्होंने इससे पैसे का लेन देन कर रखा था, 5-7 तोले सोना चढ़ा रखा था उस पर, क्योंकि उसने तो ऐसे ही लूट खसोट के माध्यम इस तरीके के लिए तो उसने मतलब ये षड्यंत्र रचा था उसकी शादी का। तो फिर उसने जब ये मांग करी धीरे धीरे, भाई
तो मतलब ये मेरा सामान दे, मेरे पैसे दे, तो इस ढंग से करे। तो उसने कह रहा ये तंग करेगा और ये बीच में रोड़ा बनेगा। उसने शक हो गया पूरा, देख लिया उसने ये तो सिस्टम। उन्होंने फिर मिलके ना बीच से हटाने के लिए, सुनील को बीच से हटा दो भाई, और ये षड्यंत्र ऐसा रचा और मतलब उसको कहीं और दाएं बाएं उसको चोट अच्छी मार के फिनिश करके फिर उसको रेलवे पे डाल दिया। और मतलब फिर इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे जितनी बार भी उसने इन्फॉर्मेशन दी या बात करी, जितनी बार भी हर बार स्टेटमेंट बदलता रहा। कभी स्कूटी पे गिरा, कभी रेल पे गिरा, कभी प्लेटफार्म पे, कभी घर का। तो उसके घर के भी मतलब पूछा हमने, भाई क्या बात तेरे घर आ, तो मतलब कैमरे लग रहे हैं, कैमरे में भी नहीं। बोला उस दिन मेरा कैमरा ख़राब था, पहले ख़राब नहीं था कैमरा, बाद में नहीं होया, उस दिन उस रात ख़राब था उसके घर का कैमरा भी। और उसके साथ और भी इन्वॉल्व हुआ है मतलब इसमें काम में, संदीप उर्फ सैंडी, और उसके साथ उसके और भी दो चार दोस्त, एक वकील है उसके साथ हैं, वो उसके साथ मिलकर न, और ये मतलब उन्होंने ये काम कर दिया और इस लड़के का मर्डर कर दिया। और अब हमने अपनी गुहार लगाई तो क्यों, उसने तो अपना इस तरीके से रेलवे से कॉन्टैक्ट दिखा दिया, भाई रेलवे से एक्सीडेंट होया ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो सब प्रोपगंडा है। हम पुलिस से मिले, हम पहले बार पुलिस से मिले, पुलिस बोले ठीक है भाई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जैसी भी, हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और ना आज तक हैं, क्योंकि इन्होंने तो हम मतलब रेलवे एक्सीडेंट बताया दिखाया। तो फिर हम मतलब DSP के गए हैं, DSP से फिर मतलब, और आज फिर हम मतलब यहाँ आए हैं और इनसे मिले हैं। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है SHO साहब ने, IO साहब ने, अग भाई हम मतलब अपने तरीके से करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और हमने हाथ जोड़ के इनसे विनती की है, सर हमारा इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डीपली करो, हर कड़ी से कड़ी जोड़ के करो, हैं, अन्यथा नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें और कहीं आगे, इनके ऊपर भी अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।